खबर मोहम्मद जनपद से, जहां मोहम्मदाबाद गोना के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला महरूपुर में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की मीटिंग रखी गई। मिशन 2022 को लेकर अब सभी पार्टियां धीरे धीरे चुनावी मैदान की तरफ रुख ली हैं। वहीं यूपी में पहली बार AIMIM पार्टी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ मोहम्मदाबाद गोहना के महरूपुर में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें AIMIM के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष यूथ फैज अहमद, विधानसभा अध्यक्ष यूथ साकिर जरकानी, महरूपुर से सभासद के प्रत्याशी मोहम्मद साजिद को विधानसभा मोहम्मदाबाद से AIM अध्यक्ष बनाए जाने पर नगर के लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ में मीटिंग में भी उपस्थित रहे। हम किया कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं, जो भी उसमें मैक्सिमम सीट होगी हम लड़ेंगे। बाकी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, शौकत अली साहब ने क्लियर कर दिया सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। एक सवाल और है आपसे, ये कि क्या कहते हैं कि मोहम्मदाबाद काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जो है कि इतना लीड जो है कि अध्यक्ष अगर बना रहे हैं तो इसमें विलम्ब क्यों हुआ? नहीं देखिए, लंबा क्षेत्र है मानता हूँ, क्योंकि 4 विधानसभाएं हैं हमारे मऊ जिले में, तो हर जगह धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से और मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी बनाया गया है। साकिर जरकारी साहब बहुत दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ, आलम संसाद, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, संसाद कुरैशी साहब हैं, जावेद साहब हैं, बहुत से लोग यहाँ पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज ये ज्वाइनिंग का ये प्रोग्राम है, भाई ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सभासद का चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए प्रोग्राम रखा गया।